सब्सक्राइब करें मेरा मेरा चैनल चैनल सुपर सुपर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट के लिए बेल वेलकम टू दोस्तों टीचर्स ने गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है इसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं दोस्तों अगर आप मैथ साइंस के टीचर हो एंड आप ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर क्रिएट करा चाहते हो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के लिए बहुत से सिंबल्स की जरूरत पड़ती है आज हम इस वीडियो में देखने वाले मैथ एंड साइंस टीचर्स ने माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है ये सभी देखने के लिए बने रही मेरी वीडियो के एंड तक सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करना है ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पे आपने टाइप करना है फॉर्म्स डॉट ऑफिस डॉट कॉम उसके बाद एंटर करना है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स ओपन हो जाएगा एंड राइट टॉप पे ऑप्शन है साइन इन की यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ साइन इन करना है इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका चुकूँ आप टॉप पे आई बटन में इसका लिंक देख सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा दोस्तों आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लॉग इन करना है आपने यहाँ यूजर नेम फिल करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड पासवर्ड फिल करना है उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में साइन इन करने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू फॉर्म की ऑप्शन आएगी न्यू क्यूज की ऑप्शन आएगी अगर आपने पहले कोई फॉर्म्स क्रिएट किया हो पहले कोई क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया हो तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन पेपर शो हो जाएंगे दोस्तों अगर आप क्यूज क्रिएट करना चाहते हो तो आपने यहाँ न्यू क्यूज पे क्लिक करना है न्यू क्यूज क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी प्रिव्यू की एंड थीम चेंज करने की जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप थीम का कलर चेंज कर सकते हो एंड अगर आप कोई पिक चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो पिक चूज कर सकते हो एंड अगर आप अपने कोई मोबाइल से पिक को अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने मोबाइल से पिक अपलोड कर सकते हो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है सेंड की उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है सेटिंग की जिसको हम बाद में देखेंगे सबसे पहले आपने अनटाइटल्ड क्विज पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने अपने स्कूल या कॉलेज का नेम राइट करना है जैसे आप हेडर राइट करते हो उसके बाद आप यहाँ इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके स्कूल या कॉलेज की पिक इंसर्ट कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में सेव्ड है जैसे यहाँ पे मैं इस पिक को ऐड कर रहा हूँ दोस्तों अगर आप पिक को एडिट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो एंड अगर आप पिक को डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट कर सकते हो एंड अगर आप फिर से स्कूल का नेम चेंज करना चाहते हो तो आप स्कूल का नेम चेंज कर सकते हो एंड उसके बाद एंट्री डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आ रही है आप यहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो जैसे सब्जेक्ट नेम साइंस और मैथ आप कुछ भी यहाँ पर राइट कर सकते हो जैसे ये मैं क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहा हूँ साइंस और मैथ टीचर्स के लिए एंटर करने के बाद आपने कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस पर क्लिक कर देना है दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आएगी एड न्यू की आपने एड न्यू पे क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन आएगी एड क्यूज़ की सेकंड ऑप्शन आएगी एड टेक्स्ट की एंड थर्ड ऑप्शन आएगी रेटिंग की एंड उसके बाद मोर ऑप्शन शो होगी कैलेंडर की अगर आप क्वेश्चन को मूव अप या मूव डाउन करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करना है क्वेश्चन की कॉपी क्रिएट करना चाहते हो आपने यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों सबसे पहले आपने क्रिएट टेक्स्ट पे क्लिक करना है जैसे आप टेक्स्ट क्वेश्चन पेपर क्रिएट करोगे तो आपने यहाँ पे रेड करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट यहां पे आंसर टाइप करेंगे तो आपने इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर देने एंड अगर आप इस क्वेश्चन की कॉपी क्रिएट करना चाहते हो आपने यहां पे क्लिक करके कॉपी क्रिएट कर सकते हो एंड अगर आप क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो दोस्तों जैसे यहां पे मैं क्लिक करके कॉपी क्रिएट करूंगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट और दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन को मूव अप या मूव डाउन करना चाहते हो आप यहां पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन मूव अप हो जाएंगे जैसे रोल नंबर क्वेश्चन था वो सेकंड था अभी फर्स्ट पे चला गया अगर आप इसे मूव डाउन करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके मूव डाउन कर सकते हो दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने नेक्स्ट पेज क्रिएट करना है नेक्स्ट पेज क्रिएट करने के लिए आपने एड न्यू पे क्लिक करना है एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने मोर क्वेश्चन टाइप्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने एड सेक्शन पे क्लिक करना है जैसे ही आप एड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज क्रिएट हो जाएगा आपने यहाँ पे टाइप करना है सेक्शन ए दोस्तों सेक्शन राइट करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में राइट करना है ऑल क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स आफ्टर दैट आपने एड न्यू पे क्लिक करना है एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्विज चूज करना है जैसे आप क्विज क्वेश्चन पेपर चूज करोगे उसके बाद आपने यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करना है जैसे रिक्वायर्ड के साथ ऑप्शन आ रही हैं तो आपने यहां ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड यहां से आपने सेलेक्ट करना है मैथ दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे मैथ सेलेक्ट करोगे एंट्रेन इक्वेशन की कॉर्म ऐड हो जाएगा तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दोस्तों मैं आपको इंटीमेट करना चाहता हूँ कि मैं कोई मैथ्स या साइंस टीचर नहीं हूँ तो मेरे क्वेश्चन और आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं और जस्ट मैं आपको यहाँ पे मैथड बता रहा हूं कि आपने क्वेश्चन कैसे डालने हैं साइंस और मैथ टीचर नहीं दोस्तों नेक्स्ट आपने एंट्रेन इक्वेशन एक यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉट ऑफ ऑप्शन शो होने लगेंगी दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम राइट करेंगे थ्रीज पावर फोर जैसे यहाँ पे आपने ऐड करना है थ्री दोस्तों अगर आप स्केयर राइड करना चाहते हो अपने स्केर पे क्लिक करना है मल्टीपल पावर्स डालना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने राइट करना है फोर दोस्तों यहाँ पे यह राइट हो गया थ्रीज पावर फोर नेक्स्ट हम डालेंगे ग्रेटर देन जैसे हम ग्रेटर देन राइट करते हैं तो ये पावर्स में ही आ रहा है ग्रेटर देन तो आपने यहाँ डिलीट पे क्लिक करना है एंड इस साइड से आपने ओके okay पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको शो हो होगा ओके okay. तो आपने यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद आपने फिर से सेलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट डालना आपने ग्रेटर देन जैसे यहाँ पे मैं अभी राइट कर रहा हूँ फोर्स पावर थ्री फोर्स पावर थ्री दोस्तों आप यहाँ पे इजिली इस टाइप की ओकेशन क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट आपने ओके पे क्लिक करना है ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है सजेस्ट रिजल्ट अगर आप इसे ऐड करना चाहते हो तो आपने ऐड और पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो दोस्तों अगर आप यहां पे मैनुअली ऑप्शंस ऐड करना चाहते हो तो ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है आप यहाँ पे मैनुअली ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हो यहां पे कोई लिमिट नहीं है आप कितनी भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हो अगर आप किसी ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट कर सकते हो एंड अगर आप किसी ऑप्शन को राइट आंसर चूज करना चाहते हो आपने यहां पे क्लिक करके करेक्ट आंसर चूज कर लेना है एंड अगर आप किसी क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना चाहते हो आप यहां पे क्लिक करके रिक्वायर्ड कर सकते हो एंड अगर आप मल्टीपल आंसर्स डालना चाहते हो तो आपने मल्टीपल आंसर्स पे क्लिक करना है एंड यहां से आप मल्टीपल आंसर्स को चूज कर सकते हो और दोस्तों नेक्स्ट हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अभी हम करेंगे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो मैथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है जैसे आपने क्वेश्चन राइट करना है सॉल्व इट और उसके बाद एंटर इन क्वेश्चन पे क्लिक करना है एंड ब्रैक्ट स्टार्ट उसके बाद माइनस का साइन दोस्तों यहां पे कीबोर्ड बोर्ड मेरे नहीं काम करेगा तो आपको सभी क्वेश्चंस यहां से ही राइट करने पड़ेंगे माइनस थ्री ब्रैक्ट क्लोज दोस्तों जैसे ही आप यहां पे ब्रैक्ट ऑफ करोगे तो फिर से ब्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो इसके लिए आपने क्या करना है लीड करना है लीड पे क्लिक करने के बाद तो आपने यहां पे लॉन्ग प्रेस करना है जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ब्रेक ऑफ हो जाएगा उसके बाद अगर आप पावर हंड्रेड राइट करना चाहते हो तो आपने पावर के साइन को सेलेक्ट करना है एंड यहां पे राइट कर देना है हंड्रेड दोस्तों जैसे यहां पे हमने पावर को एक्टिवेट किया था अगर आप इसे अभी कॉन्टिन्यू कुछ राइट करोगे तो यहां पे पावर एक्टिवेट रहेगी अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो एंड कंटिन्यू राइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने यहाँ एरो पे क्लिक करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि ओके okay पे क्लिक करना है लेकिन मुझे ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही पता चला है कि आप यहाँ एरो पे क्लिक करके जो पावर है उसे डिसेबल हो जाएगी और नॉर्मल लाइन पे आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा एंड यहाँ से आप लाइक like, आप कोई माइनस या कोई डिवाइड कुछ भी आप यहाँ पर चूज़ करना चाहते हो कोई इक्वल टू कोई नॉन इक्वल टू आप यहाँ पर कुछ भी चूज़ कर सकते हो और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहां से किसी भी साइन को यूज कर सकते हो एंड किसी भी साइन को एक्टिवेट करने के लिए अपने वन टाइम प्रेस करना है एंड अगर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो वो साइन डीएक्टिवेट हो जाएगा या जा फिर आप कंटिन्यू राइट करना चाहते हो तो आपने यहां एरो पे क्लिक करना है ऐसे आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा उसके बाद आपने यहां साइड पे क्लिक करना है दोस्तों उसके बाद यहां एंटर योर आंसर यहां पे स्टूडेंट अपना आंसर रिस्पॉन्ड कर देगा एंड अगर आप राइट आंसर चूज करना चाहते हो अपने एड एंस पर क्लिक करना है उसके बाद फिर से की एक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर दैट आप यहां पे क्लिक करके आंसर राइट right कर सकते हो दोस्तों ऐसी मैथ एंड साइंस टीचर इन सिंबल्स को यूज करके अपना क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने प्रिव्यू पे क्लिक करना है जैसे आप प्रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिव्यू शो होगा कि स्टूडेंट को कैसा क्वेश्चन पेपर शो होगा और उसके बाद आपने बैक पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ये सेंड की उससे पहले आपने सेटिंग पे क्लिक करना है सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके क्विज को कंपल्सरी कर सकते हो एंड अक्सेप्टर स्पॉन्ट कर सकते हो एंड स्टार्ट डेट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप आप यहाँ पे जो भी लिंक सेंड करोगे उसका डेट एंड टाइम चूज कर सकते हो कि लिंक कितने टाइम के लिए एक्टिवेट रहे एंड एंड डेट भी आप क्रिएट कर सकते हो एंड कितनी डेट के बाद जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाए एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके शफल आंसर शफल क्वेश्चंस भी रेड कर सकते हो अगर आपने पहले आंसर्स को शफल क्लिक किया मोर ऑप्शन में जाके जहां पे मैथ की ऑप्शन आ रही थी उसके साथ शफल की ऑप्शन थी ई मेल नोटिफिकेशन ऑफ इज रिस्पॉन्ड कस्टमाइज योअर थैंक यू मैसेज आप यहां पे क्लिक करके थैंक यू का मैसेज है कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहां पे राइड कर सकते हो दोस्तों उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना सेंड पे क्लिक करने के बाद यहां पे लिंक लिंक क्रिएट हो जाएगा आप यहां पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर सकते हो एंड अगर आप क्यू कोड जनरेट करना चाहते हो आप यहां पे क्लिक करके क्यू कोड जनरेट कर सकते हो एंड क्यू कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फोन में एंड उसके बाद ऑप्शन आ रही है अम्बेडेड लिंक की एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ई मेल की आप किसी भी सोर्स के थ्रू स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो और दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आ रही है जैसे स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्ड शो हो जाएगा एंड अगर आप उस रिस्पोंड को डाउनलोड करना चाहते हो एक्सेल शीट में तो आपने ओपन इन एक्सेल पे क्लिक करना है तो एक्सेल शीट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी आपको सभी स्टूडेंट्स का डेट नेम टाइम ईमेल एड्रेस वन बाय वन सभी क्वेश्चन डिटेल शो हो जाएगी दोस्तों अगर आपकी गूगल फॉर्म्स माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स या किसी अदर एजुकेशन ऐप की रही है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके हर कमेंट का अप्लाई करूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स